मंदिर ये काफ़ी बड़ा माना हुआ मंदिर है, कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। मोटे महादेव, सिम महादेव, ये खूबसूरती पे करार। ये कावड़, ये कावड़ यात्रा, कावड़ यात्रा की कावड़ा है। सारी कावड़ जहाँ पर रखी जाती हैं वो सीधे यात्री कावड़ भोले सिगरे वहाँ पर बैठने का अच्छा खासा इंतजाम है। और जहाँ पर देखो जब पूरे में भंडारा होता है, बहुत अच्छी तरीके से भंडारा करते हैं, सभी कुछ खाने को यहाँ पर मिलता है। आप चाहें तो भंडारा खा सकते हैं, आप ना चाहें तो भंडारा ना भी खा सकते हैं। देखो यहाँ पर हर रोज़ कढ़ाइयाँ चलती रहती है। ये भंडारा, ये हरी बाबा का मंदिर है, ये काफ़ी और भी आगे को दिखाता हूँ मंदिर का, मंदिर पर ले आगे और दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह की वीडियो बनती है। ये आ गया हमारा मंदिर मोटे महादेव। यहाँ पर हमारे कुछ भोले भी हमारे कुछ आराम कर रहे हैं। हमारा पूरा मंदिर है मोटे महादेव का, धर्मशाला मोटे प्रशासन अपना मंदिर। ये बहुत माना हुआ मंदिर है, इसके भी कोई जवाब नहीं, जहाँ तक देख लेना। और वो तो भंडारा होता है, बहुत ही बड़ा भंडारा। ये अपनी प्रशासन भी रात दिन देख लिया भंडारा। वो और इधर भी देखिए, इधर भोलों के लिए नहाने की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर मिलती है। और ये प्रसाद है यहाँ पर, और प्रशासन भी अच्छी खासी है। बोर्ड पर नहर मारेंगे एक बार, ये चौकी है वहाँ से वहाँ तक लेकर। अरे भोले इधर भी जाए, इधर बैठे या उधर बैठे, किधर भी बैठ जाए। भोले मैं इधर से आया था, उधर को निकले आया, और आपको और भी चौकी दिखा दूँ, कितनी कितनी चौकी है यहाँ पर। एक चौकी पड़ेगी वहाँ पर सामने, बिल्कुल दिख रही है। तो ये चौकी है हमारी यहाँ की मोटे महादेव की, पुलिस चौकी मोटे महादेव, थाना मंडावली, जनपद बिजनौर। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रशासन है, सभी तरीके का अपनी व्यवस्था संभालते हैं। और ये रही हमारी कावड़, ये रही हमारी दोनों कावड़, और दो जने हम आ चुके हैं, और दो जने हम यहाँ पर बैठे हैं। देखो कितने आराम से बैठे हैं हमारे भोले। बोले कावड़ वो बहुत दूर रह गया, वो तो अभी आया नहीं है। बेड़ा तो हमारा काफ़ी दूर है, हम तो बहुत टाइम के आ जाते हैं, यहाँ भी पहुँच जाते हैं। आ चुके हैं हमारे सारे भोले मोटे महादेव मंदिर, और ये हमने आपको मंदिर पर वीडियो तो दिखाई दी है, और दिखा दे भोले से भी आपका परिचय कराई देते हैं कि आखिर भोले कैसे कैसे चल कर आए और कैसे कैसे क्या। सारे आ चुके हैं, और हम आ चुके हैं मोटे महादेव मंदिर। महादेव और आपको अब कहाँ पहुँचेंगे हम, ये भी आपको बता देंगे। ये क्या बात, सारे हमारे बोले यहाँ पर आराम कर रहे हैं, सभी इकट्ठे हो चुके हैं। ये हमारे मेंबर हैं पक्के, बेड़े के मालिक। अब सर कब ना उसका बोले कहाँ पर रुकेगा बेड़ा? अब नजीबाबाद, नजीबाबाद क्या किलोमीटर है मोटे महादेव से? 3 किलोमीटर। अच्छा, बोले अब ये रात का खाना वाना कहाँ पर होगा? नजीबाबाद में ही। अच्छा, नजीबाबाद में कोई टेम्पल है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, क्या बोलेगी क्या बोलेगी। जैसा कि हमारे बता था, ये भी हम इनके बोले के भी बहुत चाहते पूछ रहे हैं कि, और जो हमारे बोले जरा कुछ बात करने चाह रहे हैं। बोले कैसी कटी यात्रा? यात्रा बहुत बढ़िया कटी, मौज आ गई।
बोले पूछ रहा है कैसी गाड़ी यात्रा 50 किलोमीटर आप चल चुके हो हरिद्वार से जहाँ तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना मेरठ से मंगाई थी साउंड, वो मेरठ से मंगाई है, वो फेल हो गई। हैदराबाद से मंगाई है। अच्छा, क्यों देखते हैं साउंड की तरफ को भी। मैंने कहा जैसा कि मैंने आपको हर एक बोलो से भी मिला चुना, तो मुझे महादेव टेंपल से हम जो है चलते हैं नजियाबाद की तरफ, और कांवर जो हमने उठा लिए हैं। टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है, पता ले पवन चावड़ा जा आगे नाश्ता बना रहे हैं हमारे बन गया। क्या बोलेंगे, यही हर साल का बेड़ा यही लेकर आते हैं हर बार में। हर साल का काम इनका मेन मेंबर यही है हमारे, तीन चार बोले आगे भी मिलाता हूँ। क्यों एकदम तैयार हो रहा है, नाश्ता करके एकदम से निकल जाएंगे। जाने कब में जाने, किस टाइम जाओगे? नाश्ता वास्ता करके नाश्ता बनने आ गया। अरे चलो जी, बोलेंगे आरती पारती हो गई। चलो ठीक है, अरे बोलेगी, अरे सारे गावड़िया इंतजार कर रहे हैं। आपको नाश्ता भी दिखाई देता हूँ कहाँ पर हमारा नाश्ता बनने आया, क्या क्या बनने आया। जय बोले की बोल शंकर भगवान की जय।
भाई स्पोर्ट वाली रोड चल रहा है और साउंड भी आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साउंड है, अच्छी खासी। और चलते चलते 10 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर हो रहे हैं स्पोर्ट वाली। ये स्पोर्ट वाली हाईवे है और आपको वहीं पर ही स्टॉप, मैन स्टॉप वहीं पर ही पड़ा, वहीं दिखाएंगे आपको शंकर भगवान की। आपको पता है कांवड़िए किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से क्या होता है, पैदल की यात्रा कैसी होती है कांवड़ियों की, कांवड़ियों का इस टाइम तो भोलेनाथ की कृपा है, वैसे सही सलामत है, बाकी तो ऊपर वाला जाना है, ऊपर वाला ही लेकर जाता है वहाँ तक मंजिल तक। तो जहाँ पर हम कोतवाली से, मैंने आपको बताया था नजीबाबाद इंडियन ऑयल पर, इंडियन पेट्रोल पम्प पर रुके हुए थे, वहाँ से हम आ चुके हैं 19 किलोमीटर, वहाँ से कोतवाली भी पार कर दी है, 1 किलोमीटर कोतवाली से आगे हैं। और जहाँ पर एक छांव पेड़ के नीचे बैठे हैं और भाई भोले की भी पूछ लो, इनके दास्तान कैसी यात्रा रही, पैरों की हालत क्या है, पैरों की हालत देखो भोले क्या हो रही है, छाले पड़ गए पैर में। चलो भोले यहाँ तक की उम्मीद है भोले नाथ लेके जाएंगे, तो वो छाले तो आपको बता दिए, बोले पैर आ रहे थे भोले उधर से हम, और उधर से आगे चौकी के पास चप्पल पहननी पड़ गई। चलो बोलो शंकर भगवान बताओ, माफी मांग लिया बोले नाथ से हमने। आपको तो पता ही है जो कावड़ यात्रा को कावड़ यात्रा करता है तो उसके साथ क्या बेचती है, हाँ जी हाँ जी बोले नाथ की कृपा। ठीक है, टिकट टिक दोपहरिया पड़ रही है और 2 बज रहे हैं, 2 बजे पहले हमने नाश्ता कर लिया था मुल्तानी छोले चावल का, और कावड़ के लिए, कावड़ियों के लिए वो भी पिलवा दी थी चाय, बाकी अब 2 बजे हमारा जो खाना हो रहा है मेन चीज छोले भटूरे हैं, वो आपको रूबरू कराऊंगा। और ये हमारे भोले कुछ इधर भी बैठे हैं और कुछ भोले पल्ले झोंपड़ी में भी बैठे हैं, वो देख रहे हो आप झोंपड़ी, अच्छा। और ये भोले हमारे दूसरे भोले हैं, ये फारसी भोले हैं, जब पढ़ाऊँ उसका फारसी भोले तक थक जाते हैं। ये जितने कांवड़िए आप देख रहे हो, जितने भी बैठे अगर लेटे हुए हैं वो फारसी बोले हैं बिना कांवड़ वाले, और ये जितने भी बैठे हुए हैं वो कलम उसका कांवड़ वाले हैं, जब इनके बिना कांवड़ वालों की ये हालत है तो कांवड़ियों से क्या हालत होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। इन दो कांवड़ियों से हमारे पूछिए, बहुत ही जे जबरदस्त वाले हैं, बहुत बढ़िया बोले। अच्छा आज हम गजराम बोले से पूछेंगे जरा, हाँ बोले बताइए। ओ बोले सब तो नया है, हरिद्वार से कोतवाली से आगे आ गए हैं। हाँ बोले ये तो बताओ, 69 किलोमीटर आप आ चुके हो और आगे की व्यवस्था कैसी रहेगी, आगे की बोले ना। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आप देख ही रहे होगे बोले, ये हमारा जो है दोपहर का खाना बन रहा है 2 बजे का, हमने बीच में रास्ते में नाश्ता कर लिया था, आपको बताया था मैंने इंडियन ऑयल पर। क्या आप जो सोच रहे होगे कांवड़िए थक जाते हैं, ये भी थक जाते हैं, लेकिन हलवाई क्यों नहीं थकते, हलवाई तो आपको बता दूं कि हलवाई उसमें बैठे रहते हैं कैंट्रा में, और एक हमारे ये कमलस का अपने मैन कारीगरों से अपन बात कराना चाहूँगा, जरा कुछ बोलेंगे जरा, अरे कुछ बोल दो, अरे बोल दो। तो यही कारण है इनके, अरे ना हो तो रोटी भी ना मिले कांवड़ियों को, अरे वो ये हमारे भटूरा भी देख लो, अगर भटूरा ऐसा बनाया है, ये हैं गजानंद एकता समिति के सदस्य, इनका नाम रवि है, देख लो इनका संकल्प ले हुआ है, फिर भी ये घुटने टेक चुके हैं, अजय बोलेगी सब बोले हैं। अभी तो कमला उसका अभी तो कुल 69 किलोमीटर चल का आए हैं हरिद्वार से कोतवाली से, थोड़ी से ना गायब हुए हैं, और ये भोलेनाथ हैं हमारे,
लोगों का गाइस बटन में छोड़ दिया भाई। जो देखो भटूरे क्या बात है पूरा भाई, तो इस बात की गारंटी है संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से कमलोस का हरिद्वार आपको इस साइज का भटूरा नहीं मिल सकता 20 रुपए में भी। इधर इधर छोले की तैयारी हो रही है और इधर भटूरे भी बन चुके हैं और कावड़ी हमारे इंतजार कर रहा है क्योंकि भूख का टाइम है, 2 बज चुके हैं। बोलो अंदर भगवान की जय। भगवान के और आप कावड़ भी देख सकते हैं किस तरह कावड़ रखी है महाकाल के वहाँ, एंड डीजे वहाँ पर रखा है, कुछ कावड़ इधर भी रखी है। जय शिव शंकर। गाइस कोतवाली से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं इस वाले पुल पर, धामपुर वाले रोड पर, और आपको दिखाने वाले हैं कावड़िया भी बहुत मस्ती में आए हुए हैं। हम 8 किलोमीटर वहां से चल चुके हैं जहां से आपको हमने बताया था छोले भटूरे जो खाए थे वहां से आ चुके हैं और हम एक पुल पर रुके हुए हैं। और भाई बरसात ने भी अपना नज़ारा दिखा दिया है, बरसात भी हो गई है चालू, तो चलते हैं कुछ सामान समेटते हैं उसके बाद करते हैं बात। नाश्ते में मन नहीं है, जलेबी और चाय, तो हम नाश्ते के तरफ को रूबरू कराएंगे आपको कौन कौन से कैसे कैसे करके नाश्ता बना रहे हैं। गाइस जैसे कि मैंने बता रखा है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्या बना उसका हमारे नाश्ते में क्या है, दही और जलेबी और खिचड़ी आपको दिखा देता हूँ। ये तो है कि हमारी पूरी रहने की चाय और ये हमारी खिचड़ी, पूरी खिचड़ी दाल डालकर बनाया है, सनी देव पर जो चढ़ती है और जो बोले और ये हमारी जलेबी जैसे मैंने आपको बताया था पहले बोले जलेबा बोले एक बार डायलॉग फिर माने बोले जो बढ़ने चालू हो चुका है और हमारे कैरी स्थान है ये उसका प्रसाद दे रहे हैं, दो भी जलेबी आपके गाली बहुत मिल रही है भाई हमें। और तो तुम्हें पता है कावड़े नेक भी लेट हो जाते हैं तो गाली बहुत में चालू कर देते हैं। रात 12 बजे खाना मिलने के कारण हमारे उस्ताद का मूड सेट है, बहुत खराब है इस टाइम और इस वजह से इन्होंने जलेबी बनवाई है क्योंकि मूड इनका ठीक हो जाए कावड़े हुआ। गाइस चलेंगे आगे, वीडियो को करते हैं बंद और धामपुर पहुँचते ही आप धामपुर का इधर टायरगढ़ रहेगा वहाँ भाई भर जाके देखेंगे क्या 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 धामपुर पहुँचेंगे शंकर भगवान की जय। जलेबी का नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं हम धामपुर की ओर होते हुए, 2 किलोमीटर धामपुर रह गया है, धामपुर पार करेंगे जब भी बताएंगे आप कौन सी जगह हम रुकेंगे, तो चलते हैं अब फिलहाल कावड़ उठाते चलते हैं और बाकी तो ये भोले आते रहेंगे क्योंकि यार नाश्ता।